ड्रैगन फ्रूट आइसक्रीम। एक गांव में सारिका नाम की एक लड़की रहती थी। जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप का देहांत हो गया। उनका जमींदारों का परिवार था। उसके जायदाद के लालच में आकर सारिका के मामा गोपाल और उसकी पत्नी तुलसी ने उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। गोपाल और तुलसी इस तरह सारिका के घर आ पहुँचे। एक दिन तुलसी गोपाल से, क्यों जी, अब हमें और कितने दिन उस कलमुई को बर्दाश्त करना होगा? इसे ले जाकर किसी अनाथालय में छोड़कर आ जाओ। अगर इस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़ा तो हम इसके जायदाद का खूब आनंद ले सकते हैं। अब सबके सामने इस पर प्यार जताना मुझसे नहीं होता। गोपाल, भगवान, धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। जमींदार जी के वसीयत के मुताबिक अगर सारिका को कोई भी हानि पहुंची तो सारा जायदाद अनाथालय के नाम हो जाएगा। सारिका के बालिग होने का इंतजार करो, फिर किसी ना किसी तरह हम कागजात अपने नाम कर लेंगे। तब तक चुप रहो, किसी को शक नहीं होनी चाहिए। तुलसी, क्या कहा? और 12 साल यूं सबके सामने नाटक करना होगा? अब भाई मुझसे नहीं होगा। अरे कोई बहाना करो और इसे यहाँ से दफा करो। अगले दिन पढ़ाई के नाम पर गोपाल ने सारिका को हॉस्टल भेज दिया। गोपाल और तुलसी सारिका के जायदाद का खूब मजे लेने लगे। उससे फोन में और जब वो छुट्टियों में आती थी उस पर खूब प्यार जताने का नाटक करते थे। बारह साल बीत गए। पढ़ाई पूरी करके सारिका घर लौट आई। गोपाल और तुलसी ये प्लान करने लगे कि किस तरह उसके सारे जायदाद को हड़पा जाए और किसी को शक भी ना हो। गोपाल ने आखिरकार एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने एक नकली वसीयत बनाई जैसे जमींदार ने लिखा हो। गोपाल ने सारिका को वो नकली वसीयत दिखाया और, देखो बेटी सारिका, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ इतना अन्याय करेंगे। सारिका, क्या हुआ मामा जी? गोपाल, ये तुम्हारे पिताजी का लिखा हुआ आखिरी वसीयत है। तुम अपने पिताजी के इकलौते वारिस हो ना बेटी, लेकिन जब तक तुम ये साबित ना करो कि तुम इसके हकदार हो, तुम्हें ये जायदाद नहीं मिलेगी। उन्होंने तुम्हें 10 एकड़ जमीन दी है। तुम उसमें फसल उगाकर बिजनेस करके एक ही साल में 20 लाख रुपए कमाने होंगे। ये लो 2 लाख रुपए, तुम्हारे बिजनेस के लिए निवेश है। कहकर सारिका के हाथ में उसने 2 लाख रुपए थमा दिए। सारिका, ठीक है मामा जी, ऐसा कहा। उस दिन रात को तुलसी गोपाल से, सुनो जी, ना जाने क्यों सारिका को देखकर मुझे शक होता है। उसे ना कोई चिंता है ना कोई डर, देखा उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। गोपाल, अरे भगवान, तुम बस यूं ही सोचती रहती हो। तुम चिंता ना करो, मैंने उसे एक रेतीली जमीन दी है। वहाँ सिर्फ कांटे उगेंगे, कोई फसल नहीं उगेगा। उस जमीन को ठीक करने के लिए मैंने जो पैसे दिए हैं वो बहुत कम हैं। तुम देखती जाओ, 1 साल के अंदर अंदर ये सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। सारिका ने अपनी जमीन को बड़े ध्यान से देखा। वो समझ गई कि वहाँ कांटों के अलावा और कुछ नहीं उगने वाला। काफी देर तक सोचने के बाद उसने वहाँ ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए। ड्रैगन फ्रूट के फसल के लिए एकदम उपयुक्त होने के कारण उस जमीन में ड्रैगन फ्रूट की बड़ी शानदार फसल उगी। सारिका बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि ड्रैगन फ्रूट को यूं ही बेचने से अच्छा है उसका आइसक्रीम बनाकर बेचा जाए, जिससे ज्यादा मुनाफा हो। उसने तुरंत अपने ड्रैगन फ्रूट के आइसक्रीम बनाना शुरू किया। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट थे, उसे पार्टी और फंक्शंस के लिए बहुत ढेर सारे ऑर्डर्स आने लगे। एक साल के अंदर अंदर सारिका ने 2 लाख के निवेश से करीब करीब 30 लाख रुपए कमाए। वो पैसे ले जाकर सारिका ने गोपाल के सामने रखा। गोपाल ने हार कर जमीन के सारे कागजात सारिका को सौंप दिया। तुलसी रोते हुए, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा। सारिका, मामी जी, आप रो क्यों नहीं हो, क्या हो गया?
तुलसी। रो नहीं तो और क्या करूं? अरे तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे जायजा तुम्हें सौंपने के बाद हमारा यहाँ क्या काम? सारिका, आपको यहाँ से भेजने की बात तो मैंने कभी सोची नहीं। मैं जानती थी कि आपने मुझे वो जमीन मेरे जायजा हड़पने के लिए दिया है। बचपन में मुझे हॉस्टल भेजने के एक दिन पहले जो आप दोनों ने बात की, मैंने वो सब कुछ सुन लिया था। अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा मेरा और कोई नहीं है। आपका इरादा चाहे कुछ भी हो, मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप ही ने मेरी देखभाल की है और मुझे इतना बड़ा बनाया। मैं आप दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुलसी। बेटी, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। हमने तुम्हारी नेकी को नहीं पहचाना और तुम्हारे जायदाद को हड़पने का साजिश करने लगे। गोपाल। हाँ बेटे, हम दोनों को माफ कर दो। सारिका। मामा जी, हम आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। अपने मामा मामी में आए हुए इस बदलाव को देखकर सारिका बहुत खुश हुई।